आवेश पांडे सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ गॉड ऑफ मेडिसिन। जी। फाइटर्स, अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जिनको पता है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्हें नहीं पता है कोई बात नहीं, आज मैं बता दे रहा हूं। एस्क्लेपियस का अर्थ है ग्रीक के एक भगवान है, गॉड ऑफ हीलिंग, या आप कह सकते हैं गॉड ऑफ मेडिसिन, जिनका अर्थ है चिकित्सा के भगवान, और जिनका एकमात्र लक्ष्य था लोगों में स्वास्थ्य और खुशियां बांटने का। इसी पे निर्धारित हमारी संस्था का भी यही लक्ष्य बना, लोगों में स्वास्थ्य और खुशियां बांटने का। स्वास्थ्य कैसे बांट रहे, हमने बनाए हमारे वेलनेस के, फूड न्यूट्रिशन के, ब्यूटी मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट्स, जो कि एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में सहायता करते हैं। खुशियां कैसे बांट रहे हैं जी फाइटर्स, हमने दिए लोगों में रोजगार, पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया, एक बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसके वजह से लोगों को अंदर खुशियां आती। आप सभी को आज एक लाइन सुनाता हूँ फाइटर्स, में वो लाइन है वेल्थ इज हैप्पीनेस, और कहीं ना कहीं ये लाइन 100% सच है, जिसका अर्थ है पैसों से ही खुशी आती है, और आज के युग में तो ये बात तो 100% सच है फाइटर्स। यदि एक उदाहरण लिया जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, अब उसके सामने कोई आपदा आ गई, कोई समस्या आ गई उसके जीवन में, चल रही अचानक से कोई समस्या आ गया, तो यदि देखिए उसके पास पैसा रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, उसका मनोबल बढ़ा रहेगा कि हाँ परेशानी आई है, कोई बात नहीं, हम इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर पैसों की तंगी है, पहले से ही पैसों की समस्या है, और उस समय किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आ जाए, फाइटर्स उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिरा रहेगा, मनोबल उतना तेज नहीं रहेगा। वहीं पे हमारी संस्था ने इन विषयों पर ध्यान दिया और हमारे लिए ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी लाके दी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे खुशियों के लिए दोनों पर ध्यान देती। हमारी संस्था फाइटर्स सन 2014 में बनी है, और आज हम इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं वजह मात्र एक तो हमारी संस्था का डिसिप्लिन जो सर्वोपरि है, और दूसरी दूसरी बात है हमने हमारे प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यानी हमारे प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता में कभी कमी नहीं आने दी। इसीलिए आज हम सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व भर में फाइटर्स, पूरे विश्व भर में वेलनेस और न्यूट्रिशन के सेक्टर में उभरता हुआ सितारा है, एक ब्रांड नेम है जी फाइटर्स। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे संस्था के ऊपर, अब हमारे जीवन शैली में फाइटर्स अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। मनुष्यों ने अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में एक प्रकार की बीमारियां नहीं है, उनके पास इतने प्रकार की बीमारियों का उजागरण कर चुके हैं। यदि हम सभी बीमारियों पे वन बाय वन बात करने जाएं, पूरा आज सुबह से कल सुबह हो जाएगा, पर वो बीमारियां खत्म नहीं होंगी, तो पॉसिबल तो है नहीं फाइटर्स कि हम सभी बीमारियों पे बात कर पाए। पर हम आज क्या कर सकते हैं, जो हमारे मुख्य बीमारियां हैं, जो हमारे मुख्य समस्याएं हैं, हम उनके ऊपर जरूर रोशनी डाल सकते हैं, उनके ऊपर जान सकते हैं। सबसे पहले हमारी संस्था, यानी सबसे पहला है हमारे हार्ट से रिलेटेड समस्या है, हमारे कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा अटैक पड़ने से निधन हो गया, स्ट्रोक पड़ने से निधन हो गया, इन जैसी सारी समस्या आती है हमारी कार्डियोवास्कुलर इश्यूज में। वही हम बात करें हमारे अगली समस्या की ओर, फाइटर्स ये समस्या आपस में भाईचारा निभाते हैं, इनका नाम है डायबिटीज एंड ओबेसिटी, यानी शुगर की समस्या और मोटापे की समस्या। फाइटर्स आप गौर कीजिएगा, जिनको अधिकतम चर्बी होती है उनका शुगर लेवल जरूर इंबैलेंस रहेगा, उनको शुगर की समस्या रहनी ही रहनी है, और जिनका अधिकतम शुगर होता है, जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, उनके अंदर चर्बी आने लगता है। तो इसी प्रकार से ये बीमारियां आपस में भाईचारा निभाते हैं,
कि जहां भाई आप जाएंगे वहां हम भी रहेंगे, अगर ये एक किसी को होता तो अगली बीमारी होना निश्चित ही है, ये डायबिटीज और ओबेसिटी। और यदि हम आंकड़ों पे बात करें, भारतवर्ष में हर दूसरे तीसरे घर में हमें एक व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा शुगर से ग्रसित या मोटापे से ग्रसित। पाइट्रस आप हर दूसरे घर तीसरे घर में चेक कीजिएगा, एक नए व्यक्ति अवश्य मिलेगा जिसका शुगर हाई रहता होगा, जिसको मोटापे की समस्या होगी, और यही सबसे बड़ी घातक की बात है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट बीमारी, नेक्स्ट समस्या की, जो कि है गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, हमारे महिलाओं में होने वाली समस्याएं, पीसीओएस पीसीओडी की समस्या हो गई, या फिर उनके मासिक धर्म में आने वाली समस्याएं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज, अधिकतम दर्द का होना, अनियमित रूप से मासिक धर्म का होना, इन जैसी सारी समस्याएं हमारी महिलाओं की, और आते हमारे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज में। फाइटस यदि हम बात करें हमारी अगली बीमारी की ओर, तो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व भर में सबसे कॉमन डिजीज में से एक है लीवर और किडनी की समस्या। जी हाँ फाइटर्स, यदि हम बात करें लीवर की, हमारे लीवर में किसी प्रकार की समस्या आई, धीरे धीरे करके हमारे सारे अंगों में समस्या आना अनिवार्य है। और वही हम बात करें किडनी की, तो किडनी की सबसे घातक समस्या स्टोन बन जाना। आप गौर कीजिएगा, जिनको किडनी में स्टोन बन जाता है उनको कितना असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, उनसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता हमारी ये बीमारी किडनी स्टोन की। वही बात करते हैं हमारे नेक्स्ट समस्या की ओर, हमारी नेक्स्ट समस्या है सबसे घातक, सबसे ज्यादा जान लेने वाली, पूरे विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा मृत्यु होता है इस बीमारी से या समस्या से, कैंसर और ट्यूमर्स। फाइटर्स यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके जीवन शैली को तो हानि पहुंचाएगा ही, उसके जीवन शैली को तो अफेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को अफेक्ट करता है ये एक समस्या, एक बीमारी, कैंसर और ट्यूमर्स। वही हम बात करें हमारे नेक्स्ट समस्या क्यों, जो है अर्थराइटिस यानी गठिया के रोग। फाइटर्स पहले क्या होता था, महिलाओं में देखने को मिलता था, वृद्धों में देखने को मिलता था, परंतु आज के युग में हमारे 30 एज के व्यक्ति हैं उनमें ये समस्या आ रही। अब जब आप ही सोचिए 30 एज के इतने कम उम्र में यदि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द जैसी समस्या आ रही है, कमर में दर्द अभी से ही हो रहा है, तो जब वो व्यक्ति 50 साल, 55 साल, 60 साल तक पहुंचेगा तो उसका हाल क्या होगा, उसका जीवन शैली कितना प्रभावित हो चुका होगा। और ये समस्या हो क्यों रही, वजह से क्या कारण है, और फाइटर समझिएगा, समस्याएं हैं तो वो किन्हीं ना किन्हीं कारण से हो रही होंगी, अब अनेक समस्याएं हैं तो अनेक कारण होंगे, तो उनमें भी हम जो सबसे प्रमुख कारण है, जो सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करे, हम उनको जानते हैं। हमने बीमारियों को तो जान लिया कि हाँ ये बीमारियां हमें जीवन, हमारे जीवन शैली में हमें अफेक्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव डाले, हमें हानि पहुंचा रहे हैं, पर ये बीमारियां हो किन वजहों से रहे हैं ये जाना जाए। सबसे पहला वजह टॉक्सिन, हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन टॉक्सिन बढ़ते जा रहा है, टॉक्सिन बढ़ने की वजह हमारे जीवन शैली में बदलाव या हमारे भोजन शैली में बदलाव की वजह से। जीवन शैली में बदलाव तो जो लाइफस्टाइल हमारे चेंज हो गया उसके वजह से, भोजन शैली में बदलाव जो सबसे बड़ा हमारा कारण है फाइटर्स, जैसे कि अनहेल्दी फूड का इंटेक करना। यदि हम अनहेल्दी फूड का इंटेक करेंगे, जैसे कि जो हम बाहर के भोजन खाते, ऑयली फूड खाते, या फिर हम कह सकते प्रोसेस फूड खाते, फाइटर्स सबसे ज्यादा घातक समस्या में पहुंचाते हैं ये प्रोसेस्ड और प्रिजर्व किए हुए फूड, सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। मान लीजिए एक फायदा होता है कि हम ज्यादा दिन तक भोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमारे शरीर में कहीं से भी किसी भी प्रकार से फायदा नहीं करता ये प्रोसेस और प्रिजर्व किए हुए फूड, मात्र हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ाने में, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या बनाने में सहायता करता है। यही हमारा दूसरा कारण था अनहेल्दी फूड। अफाइटर्स हम बात करें अगर अगले कारण की ओर, तो वो है हमारा वातावरण,
यानी हमारा इन्वायरमेंट। फाइटर्स इन्वायरमेंट, हम सभी को पता है हमारा वातावरण कितना प्रदूषित हो चुका है, चाहे हम बात करें वायु प्रदूषण की, चाहे हम बात करें जल प्रदूषण की। अब वायु प्रदूषण हमारे वाहनों से निकले धुएं, इंडस्ट्रियल गैसेस हमारे वायु को प्रदूषित कर दे रहे, और वायु प्रदूषण होने की वजह से हमें सांसों से रिलेटेड समस्या होना अनिवार्य, सांसों के जैसे रोग होना अनिवार्य है यदि हमारे वायु प्रदूषण हो रहा है तो। वही बात करें जल प्रदूषण की, तो फाइटर्स नदियों में बात करते हैं, तो नदियों में मछलियां रहती हैं और उन्हीं नदियों में आज हम इंडस्ट्रीज के वेस्टेज, फैक्ट्रीज के वेस्टेज, ह्यूमन वेस्टेज बहा रहे हैं। उन्हीं वेस्टेज में एक तत्व होता है मरकरी नामक, जो कि मनुष्यों की देखा जाए तो एक प्रकार का जहर है। अब वही तत्व कहां पहुंचा, नदियों में पानी में मिला हुआ है, पानियों में से मछलियां वही सेवन कर लेंगी क्योंकि मछलियां रह रही नदियों में, उसी पानी का सेवन करेंगी। अब वो मरकरी पहुंच गया मछलियों के अंदर, अब वो मछलियों का सेवन करते हैं मनुष्य, जो मांस मछली खाते, जो नॉनवेज खाते, उनके शरीर में पहुंच गया मरकरी। अब मरकरी जब मनुष्यों के शरीर में पहुंचे तो क्या फायदा करेगा? जी बिल्कुल नहीं, आपके शरीर के अंगों को डिस्टर्ब करेगा, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा, आपके जीवन शैली को प्रभावित करेगा, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। फाइटर्स कैंसर, ट्यूमर, लीवर की समस्या, इंफेक्शन, किडनी डैमेज, इन जैसी सारी समस्याएं हो सकती है हमारे इस एक वजह से। अब यदि बात करें हमारा जो अगला कारण है, जो कि सबसे घातक कारण है, एडल्ट्रेशन। जी फाइटर, एडल्ट्रेशन तो आप सोच रहे होंगे सर ने क्या बोल दिया, पर इसका हिंदी में अर्थ आप सभी जानते हैं, जी मिलावट। और क्या मिलावट हमारे शरीर में किसी प्रकार से सही है? जी बिल्कुल नहीं। हम भोजन का स्वाद बढ़ाने के मिलावट कर रहे हो या भोजन को अच्छा दिखाने की मिलावट, मिलावट कहीं से भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। यदि हम बात करें, एक उदाहरण लेते हैं फाइटर्स, मुझे हैंड रेस करके बताइएगा आप में से कितने लोग चौमिन खाते हैं? ऑलमोस्ट सभी लोग खाते हैं, 500 लोगों का पैनल में, मुझे सभी लोग बताइएगा, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हैंड रेस कीजिएगा, सभी लोग चौमिन खाता होगा। जी फाइटर्स, तो अब एक बात, अब हैंड रेस कर लीजिए, मुझे पता है सभी लोग खाते हैं, जेन्युइन आंसर होगा, जेन्युइन आंसर है सभी लोग खाते हैं। लेकिन अब फाइटर्स एक बात बताइएगा, बाहर का चौमिन और घर के चौमिन में ज्यादा स्वादिष्ट कौन सा लगता है? जो बाहर मिलता है रेस्टोरेंट वगैरह में और जो घर में बनाते, ज्यादा स्वादिष्ट कौन सा लगता है, ज्यादा अच्छा देखने में अच्छा कौन सा लगता है? बाहर वाला लगता है, सभी मानेंगे ये बात, बाहर वाला स्वाद में भी अच्छा लगता है, बाहर वाला देखने में भी अच्छा लगता है। वजह, नूडल एक है, मैगी एक है, बनाए जैसे रहे, तो वजह क्या है? वजह ये आता है फाइटर्स, उसमें एक तत्व मिलाया जाता है MSG, जिसका पूरा नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि हमारे स्वाद, अपना काम तो वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, भोजन का स्वाद बढ़ा दिया है, भोजन को दिखने में अच्छा बना दिया है, पर क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं, हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ाने में, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या उत्पन्न करने में सबसे बड़ा भागीदारी दे रहा है। वही हम बात करें हमारे किसानी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आज हमारे किसान भाई खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फाइटर्स, केमिकल फर्टिलाइजर का तो इस्तेमाल कर लिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया? पैदावार बढ़ गया, ठीक है, एक फायदा मान लिए कि केमिकल फर्टिलाइजर से किसान भाई बोलते हैं कि पैदावार बढ़ जाता है, परंतु सर पोषक तत्वों का क्या, अनाजों में, भोजन में जो हमें गुणवत्ता चाहिए थे, जो पोषक तत्व चाहिए थे, उसका क्या, वो तो हमें नहीं मिल पा रहे, और जब वो नहीं मिल रहे तो हमारे शरीर में समस्या होना तो जरूरी है। अब हमारे शरीर में जब पोषक तत्व तो नहीं पहुंचेंगे तो हमें स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या होगी, पोषक तत्वों की कमी से समस्याएं तो होंगी, सभी मानता है फाइटर से बात,
यदि हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं पहुंच रहे सही प्रकार से तो पोषक तत्व की कमी हो रही है। अब पोषक तत्व की, मान लीजिए कैल्शियम की कमी होने लगी, हड्डियां कमजोर होंगी, आयरन B12 कमी है, खून नहीं बनेगा, इन जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। तो फाइटर्स, ये तो हमने बात कर ली हमारी संस्था के ऊपर, जो हमारे जीवन शैली में चल रहे प्रमुख समस्या है उनके ऊपर। अब हम जाना जाए जो हमारा आज का मेन एम है, मेन लक्ष्य हमारे प्रोडक्ट्स, उनके बारे में जाना जाए। तो आप सभी के सामने अब एक स्लाइड शेयर होने वाली, फाइटर्स यदि शेयर हो जाए तो मुझे इंडिकेट कीजिएगा, हैंड रेस करके या थंब करके मुझे बता दीजिएगा। जी सर, आ गई। जी, तो फाइटर्स हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 130 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रखे हमारे लिए, जिनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो कैटेगरीज है वेलनेस के, फूड न्यूट्रिशन के, ब्यूटी मेकअप मंत्रा के, हेयर केयर, एग्रीकल्चर, ओरल केयर और होम केयर। और आज ये हमारे कैटेगरी, और आज हम जानेंगे हमारे वेलनेस कैटेगरीज के। और वेलनेस कैटेगरी हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक रस। जी फाइटर्स, अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी पेन और डायरी लेके तैयार हो जाइए। फायदा, यदि फाइटर्स आप लिखेंगे तो आपको दो प्रकार से फायदे। अब देखिए, मनुष्यों की मानसिक क्षमता इतनी तेज नहीं है, इतनी तीव्र नहीं कि अभी जितनी बातें मैं बताऊं तो आप सभी याद कर लेंगे। पॉसिबल तो है, कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाएगी, भूल जाएंगे। अब जब आपको जरूरत पड़ेगा तब भूल गए तो आप क्या करेंगे, अपने अपलायंट को फोन करेंगे, अपने लीडर्स को फोन करेंगे। परंतु हो सकता है वो बिजी हो, सेमिनार में, ट्रेनिंग में, अपने काम में, फोन नहीं उठा पाएंगे, तब आपको समस्या होगी, आपको वो क्लाइंट छोड़ना होगा या फिर आप जो भी उसका करेंगे। परंतु यदि आपके पास लिखा रहेगा तो क्या करना है, एक बार उसमें से देख के बता देना है। और फाइटर्स कहीं ना कहीं आपके लीडर्स, आपके जो अपलाइन होंगे, आपको एक लाइन जरूर सुनाते होंगे कि जो नोट करेगा इस बिजनेस में, जो नोट करेगा वही नोट कमा पाएगा। तो नोट करना बहुत जरूरी। फाइटर्स आप सभी नोट कीजिएगा, इट्स रिक्वेस्ट। और सही प्रकार से स्टार्ट करते आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। इम्यूनो डॉक रस, नाम सही समझ आ रहा है, इम्यूनो यानी इम्यूनिटी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वस्थ करने में सहायता करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता होता क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है, किसी बीमारी से लड़ना है या कोई बीमारी हो गई उससे बाहर आना है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो उसके लिए बना हमारा है प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक रस, जो कि हमारे शरीर की, हमारे स्वास्थ्य की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायता करेगा। साथ ही साथ हमारे खून को साफ करने के लिए इसमें पड़ा है कोकम और पुनर्नवा, सांसों की समस्या को दूर करेगा गिलोय, हमारा इसमें पड़ा है सेब, जो कि हमें पोषक तत्व तो ही प्रोवाइड करेगा। हमारा ये प्रोडक्ट फाइटर्स बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। इसका सेवन कैसे करना है, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार पुरुषों में, 10 से 15 महिलाओं में, और 10 ml हमारे वृद्धों में लगाकर आप दे सकते हैं। अब फाइटर्स एक बात अवश्य ध्यान देनी, वो विषय क्या है, इसका एक परहेज है। परहेज ये है कि जिनका डायबिटीज को समस्या है, जिनका शुगर हाई रहता है, उनमें इम्यूनोडॉक्रस नहीं देते हैं। फाइटर्स ये बात लिख लीजिए आप, जिनको डायबिटीज की समस्या है, जिनका शुगर हाई रहता है, उनको हम इम्यूनोडॉक्रस नहीं देते हैं। वहां पे हमारे अगले अलग इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, वो दे देंगे, जो हम आगे हमारे सेशन में जान लेंगे। अब कॉम्बिनेशन, तो किस कॉम्बिनेशन में देंगे, किस प्रकार से देंगे और कहाँ कहाँ देंगे, हम अपने आने वाले आगे प्रोडक्ट्स में जान लेंगे। बढ़ते फाइटर्स माइंड एक्सप्लोर की ओर, थंडर ब्लास्ट रस। हर संस्था फाइटर, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक शान होती है, हमारे संस्था की शान, हमारे संस्था का आप कह सकते हैं बैकबोन है हमारा ये प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट रस। इसके इतने रिजल्ट है, इतने चमत्कार है फाइटर्स, हम बात करेंगे कम पड़ जाएंगे, पर आए कहां से, आपके ही थ्रू। ये काम क्या करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है, सबसे ज्यादा जरूरत है खून की प्रवाह कोने कोने तक पहुंचे,
इसमें पड़ा दालचीनी गुण पत्र हमारे खून के प्रवाह को कोने कोने तक पहुंचाने में सहायता करता है। वही बात करें पुरुषों और महिलाओं में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी दोनों को दूर करेगा। मोती होता है मानसिक कमजोरी को दूर करेगा, सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। वही इसमें पड़ा शुद्ध शिलाजीत अश्वगंधा सफेद मूसली शारीरिक समस्याएं पुरुषों में होने वाले मेल इनफर्टिलिटी जिन्हें हम कहते हैं शारीरिक समस्याएं, स्पर्म काउंट की समस्या, स्पर्म क्वालिटी नहीं अच्छी है, मर्दाना ताकत खो जाना, नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष की समस्या, बच्चा करने में समस्या पुरुषों में कमजोरी है, थकावट जल्दी रहता है, तनाव रहता है, सभी समस्याओं को दूर करेगा हमारा ये प्रोडक्ट थंडर ब्लास्टर्स, एक वरदान प्रोडक्ट। सेवन कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, 15 से 20 ml पुरुषों में, 10 से 15 महिलाओं में, 10 ml हमारे वृद्धों में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइटर्स, खाने के बाद दिन में 2 बार दूध के साथ। अब यहीं पे एक परहेज है कि जिनका बीपी हाई रहेगा, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, जिनका बीपी हाई रहेगा उनमें थंडर ब्लास्टर्स नहीं पड़ता है फाइटर्स, ये बात अवश्य ध्यान दीजिएगा। जिनका भी बीपी हाई रहेगा, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, उनको थंडर ब्लास्टर्स नहीं देना है। अब कॉम्बिनेशन लिखा जाए मेल इनफर्टिलिटी का या पुरुषों में होने वाले शारीरिक समस्याओं पे क्या कॉम्बिनेशन पड़ेगा, तो सबसे पहला प्रोडक्ट पड़ेगा इम्यूनिटी का इम्यूनोडॉक्रस या शॉर्ट 30 में से कोई एक। हमारा अगला प्रोडक्ट पड़ेगा फाइटर्स यदि शुगर की समस्या है, यदि हाई शुगर है तब तो ना इम्यूनोडॉक दे सकते हैं ना शॉर्ट 30 दे सकते हैं, वहां पे क्या देंगे, वहां आपको देना होगा क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ। अगला प्रोडक्ट थंडर ब्लास्टर्स, मात्रा मैंने आपको बता रखी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट टेस्टोफास्ट कैप्सूल, रात में खाने के बाद एक कैप्सूल, और हमारा मल्टी विटामिन का कॉम्बिनेशन वीटा डॉक और डेलिफ्ट। फर्स्ट मंथ में वीटा डॉक दीजिएगा 30 कैप्सूल है, अगले 2 महीने के लिए जो अगला 2 मंथ है उसमें डेलिफ्ट लगा दीजिएगा, उसमें 60 कैप्सूल होते हैं, रोज रात में खाने के बाद एक कैप्सूल लेना है फाइटर्स। ये तो होगा मेल इनफर्टिलिटी का। अब यहीं पे हम बात कर लें पुरुषों में नपुंसकता की समस्या हो जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है, इरेक्शन की समस्या, तो वहां पे क्या करना है, तो बस एक चेंज है, जो आपने टेस्टोफास्ट कैप्सूल का इस्तेमाल किया उसको आप चेंज कर देंगे हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल से। एकमात्र चेंज यही है कि टेस्टोफास्ट कैप्सूल का जगह आपको चेंज कर देना है हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल से। पुरुषों में होने वाले नपुंसकता की समस्या, इरेक्शन की समस्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को दूर करने में सहायता। क्या कॉम्बिनेशन हो गया, इम्यूनिटी का प्रोडक्ट, इम्यूनोडॉक शॉर्ट 30, इनमें से कोई एक देना है, शुगर आएगा तो ये दोनों नहीं देना है, वहां पड़ेगा क्लोरोडॉक इम्यूनिटी में। अगला प्रोडक्ट थंडर ब्लास्टर्स, मात्रा तो आपको पता है 15 से 20 ml पुरुषों में पड़ता है। अगला प्रोडक्ट हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल, साथ में आप दे देंगे हमारा मल्टी विटामिन का कॉम्बिनेशन वीटा डॉक और डेली। ये हो गया फाइटर्स हमारा प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट रस। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइटर्स गाइनेडॉक, हमारी महिलाओं का प्रोडक्ट, महिलाओं में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी को दूर करेगा। पीसीओएस पीसीओडी की समस्या होगी या फिर इनके मासिक धर्म में आने वाली समस्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज, अनियमित रूप से मासिक धर्म आना, सिस्ट बन जाने की सबसे घातक समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी में समस्या आ रही, सभी समस्याओं पे हमारा प्रोडक्ट गाइनेडॉक रस सही करने में सहायता करेगा। इसमें पड़ाशों का शतावरी हमारी महिलाओं की कमजोरी को दूर करता है, शारीरिक समस्याओं को दूर करेगा। दशमूल पड़ा है पाचन तंत्र मजबूत कर देगा, महिलाओं में आयरन की कमी होती है, जामुन फल पड़ा है, सिस्ट बन जाने की सबसे घातक समस्या को दूर कर देगा हमारा इसमें पड़ा लोधड़ा। फाइटर्स इसका सेवन कैसे करना है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद दूध के साथ महिलाओं में। सिंगल प्रोडक्ट जान लिए, कॉम्बिनेशन क्या देंगे, सबसे पहला इम्यूनिटी का प्रोडक्ट देना है इम्यूनोडॉक शॉर्ट 30, शुगर की समस्या में क्लोरोडॉक, नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइनेडॉक रस, मात्रा आपको पता है 15 से 20 ml। अगला प्रोडक्ट आप यहाँ पे देंगे थंडर ब्लास्टर्स,
पर मात्रा मात्र 10 ml या 10 ml से कम 5 ml 7.5 ml दे दीजिएगा, परंतु 10 ml से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है। और अगला प्रोडक्ट आप दे देंगे महिलाओं का मल्टीविटामिन का कैप्सूल हमारे पास वुमेन वेलनेस। ये हो गया फायदा हमारे महिलाओं के सारी शारीरिक समस्याओं को दूर करने का, मानसिक कमजोरी दूर करने का कॉम्बिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइटर से ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वथ आ गया, हमारे अर्थराइटिस की समस्या को सही करने वाला प्रोडक्ट। अर्थराइटिस यानी गठिया। तो सबसे पहली बात, हमारे शरीर में गठिया हो कहां से रहा है, ये तो परेशानी वाली बात है। तो होता क्या है फाइटर्स, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ रहा है उसके वजह से हमारे जोड़ों के बीच और हड्डियों के बीच एक नमी है, एक फ्लूड है, वो दिन प्रतिदिन हानि पहुंच रहा है, प्रभावित हो रहा है। अब उसके हानि पहुंचने से, उसके प्रभावित होने से हमारे शरीर में गठिया के रोग, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लिगामेंट ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, कार्टिलेज में समस्या ज्यादा हो रही है। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बना हमारा ये प्रोडक्ट, जो कि गठिया की समस्या के लिए एक वरदान साबित है। किसी भी प्रकार की गठिया हमारा ये प्रोडक्ट सही करके देगा। इसमें पड़ा सलाई गुगल निर्गुंडी गठिया की समस्या को दूर करने में सहायता करेगा। हल्दी पड़ा है जो सूजन है, दर्द है, उसको दूर करेगा। हथजोड़, हमारी हड्डियां कभी टूट जाती हैं, कभी भी टूटी होंगी, उसको जल्द से जल्द रिपेयर करने में उसमें सहायता करेगा हमारा हथजोड़। फाइटर्स नाम से समझिएगा, हड मतलब हड्डी, जोड़ मतलब जोड़ना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका सेवन कैसे करना है। 15 से 20 ml पुरुषों में, 10 से 15 महिलाओं में, 10 ml हमारे वृद्धों में, दिन में 2 बार आप लगा के दे दीजिएगा। अब सबसे जरूरी बात, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या देंगे, सबसे पहला प्रोडक्ट देंगे आप ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वथ। अगला प्रोडक्ट आप यहाँ पे दे देंगे हमारा थंडर ब्लास्टर्स, परंतु अब गठिया के साथ बीपी भी उसका बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे वहां पे, थंडर ब्लास्ट तो नहीं देना है, वहां पे आप दे देंगे नोनी डॉग जूस। साथ में कार्टिलेज ज्यादा डैमेज है, हमारा लिगामेंट में समस्या ज्यादा है, तो काउसी डॉग कैप्सूल रात में खाने के बाद 1 कैप्सूल आप दे दीजिएगा। साथ में हमारा मल्टीविटामिन का कॉम्बिनेशन ये दे देना है। अब फाइटर, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया अर्थराइटिस पे। दो से तीन प्रोडक्ट मैं आपको ऑप्शनल बता दे रहा हूं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या सामने वाला व्यक्ति आपका प्रेफर करेगा तो आप उसको दे सकते हैं। लिख लीजिए, स्पीराडॉक कैप्सूल, मोरीडॉक कैप्सूल या फिर ओमेगा डॉक कैप्सूल में से कोई भी एक लगा के दे दीजिएगा, हमारे अर्थराइटिस की समस्या को सही करने में सहायता ही करेगा। अब बढ़ते फाइटर्स, एक सवाल आप सभी में हैंड रेस करके बताइएगा, जितने लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किए करते हैं या किए थे, उनके जो पेशेंट है उनके कहीं ना कहीं उनका दर्द बढ़ गया होगा। सभी लोग में नहीं होता है, पर कुछ व्यक्ति में हुआ होगा, तो मुझे बताइए किन किन लोगों में हुआ था, हैंड रेस कीजिए। ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने पे तो गठिया का दर्द बढ़ गया था, बताइए फाइटर्स। जी हुआ है सर, बहुत सारे लोगों का हुआ है, लोग अभी बता नहीं पा रहे होंगे। तो सर बात समझिएगा आप सभी, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। होता क्या है, जो हमने बात किए थे, सभी लोग हैंड रेस कर लीजिए, अब बात से समझिए, जो हम बात कर रहे थे नमी के ऊपर, हमारे हड्डियों के बीच जो नमी थी, जो फ्लूड था वो खत्म हो रहा है ना, तो उसकी वजह से समस्या हो रही थी। अब फाइटर्स यही ध्यान देना है कि जो वो नमी खत्म हुई थी उसको रिपेयर करने में, ये जो बची खुची खराब नमी थी उसको, वो हमारे हड्डियों से चिपक जाती, तो उसको रिपेयर करके, उसको बाहर करके नया नमी लाने में सहायता करता है कॉम्बिनेशन। और उसी नमी लाने में दर्द बढ़ता है, तो वहां पे परेशान नहीं होना है, वहां पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना था, वो हमारे शरीर में फायदा ही कर रहा है। हाँ दर्द बढ़ा है वो समस्या वाली बात है, तो वहां पे क्या करना है, हमारा ये प्रोडक्ट जेसी ऑयल, जहां पे भी दर्द है वहां पे हल्के हाथ से लगा के छोड़ दीजिएगा। इसमें पड़ा कपूर और नीलगिरी हमारे दर्द को बाहर निकालने में, दर्द से निजात देने में सहायता करेगा हमारा ये प्रोडक्ट जेसी ऑयल।
फाइटर्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जो कि है डाइगोडॉग्रस। क्या काम करेगा? तो फाइटर्स डाइगो से समझ में आ रहा है हमारे डायबिटीज की समस्या पे। तो डायबिटीज क्यों होता है जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती। अब क्या किया जाए? शुगर बढ़ रहा है तो शुगर को लेना छोड़ दिया जाए तो हम स्वस्थ रह पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर को काम करना है, क्रिया करनी है, एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज से मिलेगा, और ग्लूकोज सबसे ज्यादा पाया जाता है शुगर में। यदि हम शुगर लेना छोड़ देंगे हमारा शुगर हो जाएगा डाउन, और शुगर डाउन होने की वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। तो शुगर जरूरी है, पर होता क्या है? मनुष्य अपने स्वाद के लिए, पेट की संतुष्टि के लिए खाली मीठे पदार्थ के भोजन ज्यादा सेवन कर लेंगे। अब समझिए आप ही, तो मिठाइयां, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, अब एक साथ 5-6 रसगुल्ले गुलाब जामुन खा रहे हैं तो शरीर का तो शुगर बढ़ना ही बढ़ना है, और शुगर बढ़ने की समस्या होनी है। पर हमारे शरीर में एक तत्व है इंसुलिन, जो इस बढ़ते शुगर को रोकता है। पर समस्या का है जब वो इंसुलिन सही नहीं बन पाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तब तो समस्या है। तब क्या करना है? हमारा ये प्रोडक्ट डाइगोडॉग्रस, जो कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक वरदान है, इसमें पड़ा गुरमार रस हमारे इंसुलिन बनाने में सहायता करेगा, इसमें पड़ा जामुन फल शुगर बढ़ने की वजह से साइड इफेक्ट हो जाते हैं, पेट बढ़ जाएगा, अनावश्यक भूख लगेगा, इन जैसी समस्याओं को, साइड इफेक्ट को दूर रखेगा हमारा जामुन फल। करेला रस क्या करेगा? तो करेला रस का काम ये है कि फाइटर, जिनको भी शुगर की समस्या रहती है, जिनका हाई शुगर है, शुगर की समस्या है, उनको आप कभी भी चीजों का सेवन कराइए। यदि आप उनको कभी चीजों का सेवन कराएंगे तो उनके अंदर शुगर लेवल बैलेंस रहेगा, शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। तो फाइटर्स, ये तो हमने बात कर ली हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। अब सेवन सबसे महत्वपूर्ण है, इसका सेवन किसका सेवन किस प्रकार से करना है। तो फाइटर्स, इसके सेवन के लिए 15 से 20 ml पुरुषों में, 10 से 15 महिलाओं में, और 10 ml हमारे वृद्धों में आप लगा के दे देंगे। देंगे कब? खाने से 1 घंटे पहले। जी हाँ फाइटर्स, हमारा ये प्रोडक्ट खाने से 1 घंटे पहले पड़ता है। सिंगल प्रोडक्ट जान लिए, अब कॉम्बिनेशन जाना था डायबिटीज पे क्या कॉम्बिनेशन देंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट डाइगोडॉग रस। हमारा अगला प्रोडक्ट सीबक डॉग जूस या क्लोरोडॉग में से कोई एक। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइटर आप देंगे यहां पे हमारा थंडर ब्लास्ट रस। परंतु एक बात ध्यान देनी, यदि हाई शुगर है और साथ में बीपी भी बढ़ा हुआ है तब तो थंडर ब्लास्ट नहीं दे पाएंगे आप। तो आप क्या देंगे? नोनी, वहां पे आप दे देंगे नोनी, और साथ में हमारा मल्टीविटामिन के कॉम्बिनेशन वीटा डॉग और डेरिफ लगा के आप दे देंगे। अब आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, दो प्रोडक्ट के ऑप्शन है आपके पास, यदि आप चाहें या सामने वाला व्यक्ति प्रेफर करता है तो दो प्रोडक्ट मोरी डॉग कैप्सूल और फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल में से कोई एक आप लगा के दे सकते हैं, हमारे शुगर की समस्या को सही करने में सहायता ही करेगा। बाकी खाने पीने में परहेज करना है फाइटर्स, खाने पीने में परहेज करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और सुबह 15 से 20 मिनट अपने शरीर पे एक्सरसाइज कीजिए, वो एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की हो सकती, जरूरी जिम में ही जाके करें। आप कार्डियो कर लीजिए, पैदल चल लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, किसी भी प्रकार का एक एक्सरसाइज अपने जीवन शैली में बना लीजिएगा। जी फाइटर्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जो कि है कार्डियो डॉक्रस। अब डायबिटीज की तो बात कर लिए, अब बात करते पहले लीवर पे। तो फाइटर्स, यदि हमारे शरीर में, हमारे लीवर में समस्या आ गई, हमारे लीवर में गड़बड़ी आ गई, तो धीरे धीरे करके हमारे सारे अंगों में समस्या आना अनिवार्य है। लीवर में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी आई तो धीरे धीरे करके सारे अंग डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि खाना पचने के सबसे पहले प्रक्रिया, हमारे शरीर में एनर्जी रेगुलेट करने की सबसे पहले सीढ़ी लीवर से जाती है। यदि लीवर गड़बड़ तो धीरे धीरे करके सभी कुछ गड़बड़। तो लीवर की समस्या को सही करने के लिए हमारा प्रोडक्ट लीवो डॉग रस। यदि सिंगल प्रोडक्ट सेवन कर रहे हैं 15 से 20 मिनट कभी भी कर सकते, खाने से पहले, खाने के बाद,
परंतु कॉम्बिनेशन में करेंगे तो फाइटर्स खाने से एक घंटे पहले ही आपको इसका इस्तेमाल करना है, हमारे लीवो डॉग रस का। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, पंच तुलसी ऑयल क्या काम करेगा हमारे शरीर में जी फाइटर्स, हमारे शरीर में पंच तुलसी ऑयल, हमारे वातावरण में पांच प्रकार की तुलसियां हैं, रामा श्यामा वन श्वेत श्री। और इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने पीछे बात इसलिए नहीं किया, हमारी संस्था का ऑलराउंडर प्रोडक्ट फाइटर्स, इसके पहले जितने कॉम्बिनेशन बताए हैं आगे जितने कॉम्बिनेशन बताएंगे आप सभी में इसका इस्तेमाल कर दीजिएगा, सिर्फ फायदा करेगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। करता क्या है, तुलसियों का हमें काम बचपन से हम सुनते आए कितने फायदे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा करेगा, सांसों की समस्या दूर करेगा, स्किन अच्छा रखता है, स्ट्रेस निकालता है, सर दर्द नहीं होने, पर सबसे बड़ा फायदा करता है हमारे ब्लड से एसिडिटी निकालने में। जी हाँ फाइटर्स, हमारे खून से एसिडिटी निकालता है प्रोडक्ट पंच तुलसी ऑयल। सेवन कैसे करना है, एक से दो बूंद एक गिलास पानी में दिन में दो से तीन बार पी सकते हैं हल्के गुनगुने पानी में। पर सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं फाइटर्स मैं आपको, घर में पानी पीने वाला बर्तन होगा, घर में एक लीटर वाला वाटर बॉटल होगा, कुछ नहीं करना, उसमें तीन से चार बूंद डाल दीजिए, दिन भर उसी पानी का सेवन कीजिए। आपने सुना होगा अल्कलाइन वाटर सिस्टम के बारे में, 5 से 7 लाख रुपए खर्च होते सिस्टम को लगवाने में, और उसका काम हमारा सिंपल सा ये प्रोडक्ट पंच तुलसी ऑयल करके देगा, यानी वो 5 से 7 लाख का काम हमारा एक छोटा सा सिंगल सा प्रोडक्ट कर देगा पंच तुलसी ऑयल। फाइटर्स ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, सभी कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कीजिएगा, सिर्फ फायदा ही करेगा। नेक्स्ट है फाइटर्स क्लोरोडॉग प्रभावीपद। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारी संस्था ने इम्यूनिटी के अनेक प्रोडक्ट बना रखे हैं, जहां शुगर वहां क्या दे देंगे क्लोरोडॉग दे देंगे। तो होता क्या है अब समझिएगा फाइटर्स, जैसे राजस्थान से दिल्ली जाना है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई कार से जाएगा, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई प्लेन से, रास्ते अलग, पर मंजिल एक है कि राजस्थान से दिल्ली पहुंचना है। उसी प्रकार से हमारी संस्था की जो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनके रास्ते अलग हैं, अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं पर काम एक ही कर रहे हैं, हमारे इम्यूनिटी को स्वस्थ करने का, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का। और इसके एक फायदा और है फाइटर्स, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फायदा, हमारे शरीर में कैंसर ट्यूमर गिल्टी होने की क्या वजह है, सबसे बड़ी वजह टॉक्सिन और फ्री रेडिकल बढ़ जाता है, हमारा ये प्रोडक्ट टॉक्सिन और फ्री रेडिकल निकालने में सहायता करेगा। सेवन कैसे करना है, तो इसके अंदर पड़ा वीट ग्रास अल्फाफा हमारे शरीर में टॉक्सिन दूर करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वस्थ करता है। इसका इस्तेमाल 15 से 20 ml पुरुषों में, 10 से 15 महिलाओं में, 10 ml हमारे वृद्धों में, खाने से घंटे बाद देना है, खाने से एक घंटे बाद पड़ता है फाइटर्स मार रही है। अब कॉम्बिनेशन कैंसर ट्यूमर और गिल्टी यानी गांठ पे क्या कॉम्बिनेशन पड़ेगा, सबसे पहला तो क्लोरोडॉग दे दीजिएगा, अगला प्रोडक्ट बेरी डॉग जूस या बेरी डॉग कैप्सूल में से कोई एक, फाइटर्स दोनों प्रोडक्ट सेम है, बस एक जूस के फॉर्म में कैप्सूल के फॉर्म में। अगला प्रोडक्ट, यहाँ पे बात ध्यान देनी, यदि शुगर हाई है, कैंसर ट्यूमर या शुगर भी हाई है तो क्या करना है, बेरी डॉग तो दे नहीं पाएंगे, वहां आपको देना है नोनी डॉग जूस। हमारा अगला प्रोडक्ट यहाँ पे आप देंगे हमारा करकी डॉग ड्रॉप या करकी डॉग कैप्सूल, साथ में थंडर ब्लास्ट रस, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया कैंसर और ट्यूमर की समस्या को दूर करने का। अब फाइटर्स बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट वायरल डॉग प्रवाहीपद। अब शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती, इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी प्रकार से बाहर के बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आराम से प्रवेश कर रहे हैं, मतलब हमारे शरीर का एंटीबायोटिक कमजोर है, तो हमारा ये प्रोडक्ट सबसे पहले यही काम करेगा। इसमें पड़ा पपीते के पत्ते का जूस गिलोय हमारे शरीर के एंटीबायोटिक बढ़ा देगा, और यदि एंटीबायोटिक हमारे शरीर की अच्छी, आधी समस्या खत्म फाइटर्स, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें समस्या होगी ही नहीं। सेवन कैसे करना है फाइटर, सबसे बड़ी बात, सबसे फायदेमंद बात, सभी उम्र के लोग इसका सेवन कर सकते हैं, 15 से 20 पुरुषों में, 10 से 15 महिलाओं में, 10 ml हमारे वृद्धों में, और हमारे बच्चों में 2.5 से 5 ml आप इसका सेवन करा सकते हैं, हमारे वायरल डॉग प्रवाही क्वथ का।
वाइटस हमारा अगला प्रोडक्ट कार्डियोडॉक्रस यानी हमारे हार्ट की समस्याओं का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जाने हार्ट काम क्या करता है, हार्ट क्या काम करता है, हमारे शरीर में ब्लड के आदान प्रदान में, और उस आदान प्रदान का एक रास्ता है हमारे शरीर में जिसे कहते हैं हम आर्टरीज और वेन। और होता क्या है, बढ़ती उम्र के साथ उस आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमते जा रहा है, वो आर्टरीज पतली होती जा रही, जब आर्टरीज पतली हो गई तो ब्लड सही से फ्लो नहीं होगा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ा तो अटैक की समस्या हो गई। तो इन सभी समस्याओं को दूर करेगा हमारा ये प्रोडक्ट कार्डियोडॉक्रस, जिसके अंदर पड़ा अर्जुन क्षार सबसे पहले हमारे आर्टरीज की समस्या पे ही काम करेगा। अब सिंगल प्रोडक्ट का इस्तेमाल 15 से 20 ml खाने के बाद इस्तेमाल करना है दिन में दो बार। कॉम्बिनेशन, सबसे पहला प्रोडक्ट दे देंगे आप कार्डियोडॉक्रस, साथ में दे दीजिएगा बेरीडॉक जूस या बेरीडॉक कैप्सूल, परंतु बीपी है साथ में हाई शुगर है तो बेरीडॉक पड़ेगा नहीं, वहां दे देंगे आप नोनीडॉक जूस। हमारा अगला प्रोडक्ट, यदि का हमारा आर्टरीज ज्यादा जाम है, ज्यादा ब्लॉकेज है, आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या अधिक है, तो वहां पे आप देंगे अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल रात में खाने के बाद एक कैप्सूल, और साथ हमारा मल्टीविटामिन का कॉम्बिनेशन वीटाडॉक और डेलिफ। अब फाइटर्स एक बात ध्यान देनी, एक ऑप्शनल प्रोडक्ट आपके पास है मोरीडॉक या फेनिग्रीक में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लीजिएगा, सही करने में सहायता ही करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइटर्स कफ डॉक प्रवाही क्वत, तो इस पे लिखा है कफ, तो क्या सिर्फ सर्दी खांसी जुखाम पे ही काम करेगा, जी नहीं, सर्दी खांसी जुखाम को तो सही करेगा ही, साथ ही साथ मनुष्यों के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, तीनों को स्वस्थ रखेगा हमारा प्रोडक्ट कफ डॉक प्रवाही क्वत। आयुर्वेद के हिसाब से त्रिदोष की बात की है उसमें सबसे ज्यादा काम करता है हमारे कफ सिस्टम को, यदि हमारा कफ सिस्टम इंबैलेंस हुआ तो हमें सांसों से रिलेटेड समस्या अनिवार्य है, अस्थमा टीबी ब्रोंकाइटिस जैसी घातक समस्या, उन सभी समस्याओं को दूर करेगा हमारा प्रोडक्ट कफ डॉक प्रवाही क्वत। सेवन कैसे करना, 10 से 15 पुरुषों में, 10 ml वृद्धों और महिलाओं में, 2.5 से 5 ml हमारे बच्चों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन अस्थमा और टीबी पे क्या कॉम्बिनेशन पड़ेगा फाइटर्स, आप सभी लिख लीजिए। सबसे पहले तो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट देना होगा तो इम्यूनो डॉक दे सकते हैं, हालांकि शुगर हाई है तो क्या देंगे, वायरल डॉग प्रवाही क्वत। अगला प्रोडक्ट दे दीजिएगा थंडर ब्लास्टर्स, पर बीपी हाई है तो थंडर ब्लास्टर्स नहीं दे पाएंगे, वहां आप नोनी दीजिएगा। अगला प्रोडक्ट देंगे हमारा कफ डॉग प्रवाही क्वत। नेक्स्ट जिंक टैबलेट रात में खाने के बाद और हमारा तुलसी लगा के दे दीजिए, अस्थमा की समस्याओं को दूर करने में सबसे ज्यादा सहायक और प्रभावी। फाइटर्स हमारा अगला प्रोडक्ट बच्चों का प्रोडक्ट किड्स डॉग रस, बच्चों में वाले शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी को दूर करेगा, पढ़ने मन लगता है उसमें मन लगाएगा, शारीरिक विकास नहीं हो रहा उसमें सहायता करेगा, खाना पीने का मन नहीं, बच्चा ज्यादा बुखार रहता है, बीमार रहता है, सभी समस्याओं को दूर करेगा हमारे प्रोडक्ट किड्स डॉग रस। सेवन कैसे करना है, 10 ml दिन में दो बार खाने के घंटे बाद आपको सेवन करा सकते हैं। फाइटर्स हमारा अगला प्रोडक्ट हर्बल टी, और टी कम इसको आप काढ़ा समझिए, हमारी आयुर्वेदिक चाय कम काढ़ा हमारे शरीर में ऊर्जावरण एनर्जी बढ़ाने में सहायक, स्फूर्ति और तेजी लाने में सहायक। अभी कितने लोग होंगे जिनको नींद आ रहा होगा सुबह सुबह, सुबह से सबको नींद आता है, तो वहां पे करना है क्या, चाय पियेंगे उसका हमारे हर्बल टी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो आलस की समस्या नींद आ रहा है सभी समस्याओं को दूर करेगा हमारे प्रोडक्ट हर्बल टी। इस्तेमाल कैसे करना है, 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी या गर्म पानी में या दूध के साथ मिला के आप इसका सेवन कर सकते हैं हमारे हर्बल टी का। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोडॉक पाउडर, वृद्ध महिलाएं पुरुष खासकर बच्चों का प्रोडक्ट, शारीरिक विकास मानसिक विकास पे जितने पोषक तत्व चाहिए सभी पड़े हैं हमारे प्रोडॉक पाउडर में। सेवन इसमें पड़ा है बिदारी कर्णसंग पुष्पी अश्वगंधा, इसमें पड़ा सफेद मूसली, क्या काम करेगा, शारीरिक समस्या शारीरिक विकास में, इसमें पड़ा भृंगराज ब्राह्मी अश्वगंधा हमारे मानसिक विकास में, दोनों प्रकार के विकास में सहायता करेगा। सेवन 10 से 15 ग्राम आपको दूध के साथ दिन में दो बार करना है। फाइटर्स हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट आई डॉग ड्रॉप, और सबसे पहली बात इसको आप नॉर्मल आई ड्रॉप मत समझिएगा जो मार्केट में मिल जाता है,
बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक तत्वों से बना हमारा ये आई डॉग ड्रॉप। अभी आई फ्लू की समस्या चली हुई है, सबसे महत्व सबसे ज्यादा घातक। उसके बाद आंखों की कोई समस्या हो, ड्राइनेस, आंखों से पानी गिर रहा हो, दृष्टि दोष, मोतियाबिंद की समस्या, सभी समस्याओं को सहायक सही करने में, निजात पहुंचाने में। सेवन 1 से 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार डालिए, साथ में रात में खाने के बाद ले लीजिए ओमेगा डॉग कैप्सूल। बस आंखों की समस्याएं दूर कर देगा, दृष्टि दोष सही करने में शायद, मोतियाबिंद की समस्या को भी सही करने में सहायता करेगा हमारा ये प्रोडक्ट आई डॉग ड्रॉप। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, ओबियो डॉग। तो इससे पहले वजन कम करने का प्रोडक्ट है, पर दो विषयों पे जानना है। एक तो खाने पीने परहेज करना है फाइटर्स, जंक फूड, ऑयली फूड, तले हुए फूड बिल्कुल नहीं खाने यदि वजन कम करना है तो। दूसरी बात, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है, करना ही करना है, नहीं करेंगे कोई काम नहीं आएगा, प्रोडक्ट एक काम नहीं कर पाएगा। अब जानने प्रोडक्ट के बारे में, तो ओबियो डॉग रस वजन कम करने का प्रोडक्ट, इसमें पड़ा गूगल एक्सट्रैक्ट, इसमें पड़ा गार्लिक, हमारे चर्बी को कम करने में सहायता करेगा। सेवन 15 से 20 ml पुरुषों में, 10 से 15 महिलाओं में, 10 ml वृद्धों में, परंतु सेवन करने के साथ खाने पीने में परहेज और एक्सरसाइज जरूरी है। अब कॉम्बिनेशन जान लीजिए फाइटर, तो फिट डॉग पाउडर या वेक्चा लेमन लाइम में से कोई एक दे दीजिएगा, 2.5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में मिला के। अगला प्रोडक्ट दे देंगे आप कॉफी डॉग कैप्सूल, हमारा ग्रीन कॉफी कॉफ कैप्सूल, साथ में लीवो डॉग रस लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, और हमारा ये प्रोडक्ट ओवियो डॉग रस, बस वजन कम करने में सहायता कर देगा। नेक्स्ट फाइटर स्टोन डॉग रस। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, हमारे किडनी में बने स्टोन के लिए बाकी अन्य स्टोन के लिए नहीं है, और कोई भी स्टोन के लिए नहीं है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, बाकी कोई भी स्टोन उसमें काम नहीं आएगा। अब प्रोडक्ट को जाना जाए तो स्टोन का मतलब सबसे पहले जाने फाइटर, स्टोन का तो मतलब पत्थर है, हम पत्थर तो खाते नहीं कि हमारे शरीर में पत्थर आए, खाना खाते हैं ना, भोजन खाते हैं, पत्थर तो खा नहीं रहे। अब होता क्या है, हमारे शरीर में 3 तत्व कैल्शियम ऑक्सीलेट और यूरिक एसिड हमारे किडनी में जाके जम जाता है, स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है, वहीं पे हमारा ये प्रोडक्ट स्टोन डॉग रस जिसमें पड़ा पाषाण वेद और वरुण एक्सट्रैक्ट, उस स्टोन को काट के हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है, यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। तो यहाँ पे दो विषय के बारे में आपको अभी भी जानने हैं, वो विषय क्या है, सबसे पहला तो कैल्शियम और नॉनवेज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है जिनको स्टोन की समस्या है, और अगला बात ये है कि जिनको भी आप ये प्रोडक्ट देंगे उनको बोलेंगे दिन का 5 से 6 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। कितना? 5 से 6 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। वजह ये है फाइटर्स की अब हम जो स्टोन है वो यूरिनरी ब्लैडर तक आया और यूरिन के थ्रू बाहर करना है, यूरिन के थ्रू बाहर करने के शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए तभी यूरिन में चेंज होगा, तो इसीलिए हमको 5 से 6 लीटर पानी पीना है। बढ़ते फाइटर्स माइनस प्रोडक्ट की, जो कि पाइलो डॉग रस। पाइल्स की समस्या यानी बवासीर की समस्या, जिन व्यक्तियों को उनको कितना परेशानी होता है, कितना प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए बना हमारा प्रोडक्ट जो कि बना मोरिंगा यानी सहजन के साइड से, और सहजन का सीड सबसे ज्यादा सहायता करता है पाइल्स की समस्या में। तो फाइटर्स इसका सेवन आपको 15 से 20 ml पुरुषों में, 10 से 15 महिलाओं में, 10 ml हमारे वृद्धों में लगा के दे देंगे। तो आज फाइटर्स ये हो गए हमारे आज के प्रोडक्ट। अच्छा, इसका भी कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, पाइल्स की समस्या पे क्या कॉम्बिनेशन पड़ेगा। सबसे पहला एक एलोवेरा जूस लगाइएगा, हमारा जो एलोवेरा जूस है सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में। अगला प्रोडक्ट आप देंगे यहाँ पे लीवो डॉग रस, लीवर को स्वस्थ करने के लिए, खाने से 1 घंटे पहले देना है। नेक्स्ट डीजी डॉग पाउडर देंगे सोने के टाइम, साथ हमारा प्रोडक्ट पाइलो डॉग रस। तो फाइटर्स ये हो गया हमारा, इसमें भी परहेज जान लीजिए, मैदा फैट और ऑयली चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो फाइटर्स ये हो गए हमारे आज के सारे प्रोडक्ट्स, वेलनेस के हमने हाफ प्रोडक्ट्स जान लिए, अब बाकी के हाफ हमारे अगले सेशन में हम जान लेंगे। परंतु अब माइक हैंडओवर करना चाहूंगा प्रमोद सर की ओर, यदि कोई समस्या है किसी को तो हम बात कर सकते हैं, पर आखिरी में 5 मिनट मुझे चाहिए होगा। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी तरह से हम सब लोगों को नॉलेज दिया, हम सच में आज की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त थी,
और मैं बिल्कुल पूरी ट्रेनिंग नोट कर रहा था, काफी लोग हमारे नोट कर रहे थे सर। आपने हेल्थ के बारे में बताया, बीमारी के बारे में बताया, फिर उसका निजात भी दिखाया, तो मैं सभी लोगों को चाहूंगा एक बार अंकित सर के लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें दी, और इस वीक में जरूर हम सब लोग बड़ा करने वाले। जी बिल्कुल सर। तो अभी अंकित सर ऐसा कोई है नहीं, किसी का है तो हैंड रेज कर सकता है कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम के प्रति। अगर समस्या नहीं तो सर आखिरी के 5 मिनट में और लेना चाहूंगा आपसे से। थैंक यू जी सर, कुछ विषयों पे बात करनी। जी तो विषय है कि फाइटर्स, आप मुझे बताइएगा हैंड रेज करके, ये एक प्रकार का नॉलेज का सेशन था, ज्ञान का सेशन था। हैंड रेज कीजिएगा, ज्ञान हैंड रेज कर लो। अब फाइटर्स आप समझिएगा, ज्ञान एक लौता ऐसा धन जो बांटने से बढ़ता है। तो मैंने तो अपना काम संपूर्ण कर लिया फाइटर्स, आप सभी तक ज्ञान पहुंचा दिया, अब आपको इसका सही इस्तेमाल कहाँ करना है, आपके फील्ड पे। यदि आप इसका सही इस्तेमाल अपने फील्ड पे कर लिए फाइटर्स, तो आपको दो प्रकार से फायदे होना अनिवार्य है। तो फायदे क्या है, एक तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, वो तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा आपका असल मायने में भी धन बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, जो कि आपके लिए फायदा वाली बात है यदि आप फील्ड पे इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए तो। दूसरी बात, जहां पे भी आपको ट्रेनिंग लेने की सीखने का मौका मिलता है, कहीं पे भी यदि आपको ट्रेनिंग मिल रही है, सीखने का मौका मिला, आप अवश्य सीखिए। मैं आज आपको एक लाइन सुनाता हूं, जो सीखता है वही जीतता है। जी हाँ फाइटर्स, आप सीखेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आपने किसी, मान लीजिए होता क्या है, कोई व्यक्ति जब एक जगह लेवल पे पहुंच जाता है, जब अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजें पा लेता है, तो वो क्या करता है, सीखना रोक देता है। जब वो कामयाब हो जाता है तो सीखना रोक देता है, और सबसे बड़ी गलती कर देता है। यदि आप सीखना रोक देंगे तो आप वहीं पे थम जाएंगे, या फिर हो सकता है उससे नीचे आने लगेंगे, परंतु यदि आप सीखते रहेंगे तो आप हमेशा आगे जाएंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे। और यही मेरे विषय सबसे कि आप हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते जाए और अपने जीवन में बहुत अच्छा करते रहे। धन्यवाद फाइटर्स, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, और मैं माइक हैंड ओवर कर दूंगा हमारे सर की ओर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने सच में आज मोटिवेशन भी दिया और नॉलेज भी दिया साथ में, और ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं मार्केट में हम जाते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि किस चीज में क्या दें, और काम करते करते बहुत सारे सवाल आते, तो मन में शंकाएं भी आती है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, हमें एक नई ऊर्जा देती है, और आज हम सब लोग मानते हैं कि आज हाउसफुल था, और सबसे बड़ी बात थी सर कि लास्ट तक हाउसफुल था, और ये पहली ट्रेनिंग मेरी है जिसमें हाउसफुल लास्ट तक रहा है, नहीं तो कुछ लोग आधे में चले जाते हैं। ये सौभाग्य है, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जोरदार शानदार ताली थैंक के रूप में अंकित सर के लिए जोरदार ताली, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। चलिए फाइटर्स, हम चलते हैं अगला सेशन, जल्दी हम मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, आशा करूंगा आप सभी बहुत आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर।